बाबूजी, मैं ठीक हूँ, तुसी मेरा फिक्र ना करो। तू भावे ठीक भी होवे ता भी मैं तेरा फिक्र करूंगा। रणवीर, तेरे सिरों बहुत वड्डा बोझ लथ गया होना, तेरे गल पहनदी पहनदी बला टल गई है। मैनू तो लग्या सी कि कुछ डिफरेंट जी फीलिंग आई सी अपने बच्चे दे बारे सोच के, बट आई थिंक शनाया इज राइट। एक्चुअली रीत ना प्रेगनेंसी टेस्ट किट लेके आई सी, तो उन्हें वो किट अपने रूम च रखी हुई सी, तो जदों मैं देखी आई थॉट कि तेनू तो वही लगना सी ना, क्योंकि तेनू तो कुछ याद ही नहीं सी की होया सी, फिर नैचुरली तू यही सोचना सी। अज सवेर तो ही सब तो दिमाग किन्ना खराब किया, और फिर बिना किसी गल तो। What do you mean? बड़ी सीधी जी गल है रणवीर, जे किसी लेडी ने प्रेगनेंसी टेस्टिंग किट खरीद ही ली है तो उन्हें तो वह किट छेती तो छेती वरतन की काली होंगी है ना। इदा तो नहीं होंगे ना कि अज खरीद ली, जे कदे लोड़ पई तो वरत लवेंगे, इदा कौन करता। मैनू तो लगता है उन्हें जान के वह किट उत्थे रखी सी, सो दैट तू वह किट देख लवे। देन मैं सारी फैमिली के सामने एम्बेरेस हो जावां। एग्जैक्टली, मैनू तो इस गल की बड़ी हैरानी हो रही है। मैंने तू नशे विच सीगा, जिथों तक मैनू लगता है वो नशे विच नहीं सी, फिर उन्हें कोई गल याद क्यों नहीं है। What? तू कह रही है कि वो नशे च नहीं सी, मतलब तू कहना की चाहनी है शनाया? सॉरी, मेरे मुँह इदा ही गल निकल गई, मैं भी पता नहीं की सोचती रहनी हाँ। तू छड़, तू ये ना सोच। उदा कई जनानियां इदा कर दियां ने अपने बंदियां नाल, उदों कदों जदों अपने बंदे नूं बुद्धू बना के सारियां दे सामने उहदी बेइज्जती करवाउणी होवे ते आप सारियां दियां नज़रां विच आउणा होवे। हुण मैनूं की पता रीत दे दिमाग विच की चल रहा है, वो की चाहुंदी है। समवन हेयर बॉबी पाजी। यार गोल्डी, जे पलक हुई ना तो उन्हें कह दी मैं सुता है। बॉबी, स्लीपिंग मेडिसिन पलक जी, नींद की दवाई देके सलाया है। नहीं उठाती मैं। तेनू पता गोल्डी, पहला मैं लगता सी कि बॉबी बस मेरे आप जी दोस्तों वर्गा मेरे लिए गिफ्ट्स लेके आता सी, चुन चुन के लिया सी मेरे लिए गिफ्ट्स, मैनू बहुत पसंद सी, मेरा बहुत ख्याल रखता सी बॉबी। मैं पेपर में चीटिंग की थी, पर तभी मैनू गलत नहीं समझिया बॉबी ने, पर जदों बॉबी का एक्सीडेंट होया उदों मैनू एहसास होया
मैनू पता है बॉबी कि मैं तेनू कहा सी कि मैं ब्याह करा के कैनेडा जाना चाहनी हूँ, पर जी मैं इतने रह जाऊँ वाटर फॉलोइंग ओवर द हेड। ओहो, तो गल इत्थे तक पहुँच गई है। रीत किथे चली है पुत? किथे नहीं पाऊ जी, दुकान ते चली है। केड़ी दुकान? बाऊ जी कुछ गुस्से विच लग रहे ने, गल की है? बाऊ जी नरूला स्वीट्स ते चली हां मैं। तू शायद कल मेरी गल नहीं सुनी। मैं सारे नु दस दिता है कि मैं नरूला स्वीट्स वाला बिजनेस बेच रहा हूं। तू किते नहीं जाना, घर बैठ। नहीं बाऊ जी, मैं थोड़ी गल सुनी सी, पर मैनू लग गया तुसी वो सब कुछ गुस्से विच कहा होना। हाँ, उदो मैं गुस्से विच सीगा, पर मैं अजे भी अपने उस फैसले ते कायम हाँ। जी तुसी की कह रहे हो, ये बिजनेस तुहाडी जिंद जान है। तुसी अपना खून पसीना एक करके ये बिजनेस खड़ा कित्ता है। मैं अपना बिजनेस खड़ा करन लई की कित्ता है मैं चंगी तरह जानदा, तैनू याद कराने दी लोड़ नहीं मैनू। पर बाऊ जी, मेरी ते रणवीर दी इक लड़ाई बहुत छोटी जी गल नहीं, एडा वड्डा फैसला लैण लई। प्यो हाँ मैं तेरा, मैनू सब पता है। चार दिन पहला जिथे रीत नू सट्टा लगिया सी उत्थे दोबारा भेजण दा प्लान तेरा ही होना है ना। नहीं बाऊ जी, पापा जी ने कुछ नहीं कहा मैनू। यूजुअली रीत बाऊ जी दे हर डिसीजन नू सपोर्ट करदी, बट बिजनेस वेचन वाले केस विच सडनली पापा जी दी साइड ते हो गई। पापा जी जिहड़े कल तक उन्हों देख के राजी नहीं सी, अज बाऊ जी नाल बहस कर रहे ने सिर्फ और सिर्फ रीत करके। वाह, अजीब कुड़ी है रीत। शनाया वॉज राइट। मैं एक बार जो कह दिता, मेरा यह फैसला हुण नहीं बदलेगा, तो मैनू इस मसले में किसी की सलाह की लोड़ नहीं। ठीक है बाऊ जी, नहीं जानती मैं नरूला स्वीट्स, थोड़ा बिजनेस है, तुसी जो चाहे वो तुसी कर सकते हो, थोड़ी मर्जी है। पर बाऊ जी, मैं अपना बिजनेस पहले वांग ही करांगी, ते इस विच मैनू किसी दी सलाह नहीं चाहिए। तुसी जो मर्जी करो बाऊ जी, पर मैं अपने सुपने नहीं बेच सकती। ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਬਾਊ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਰੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ।
जा देख यार। अच्छा आज बॉबी उठ के बैठे हैं। बॉबी किवे हो, ठीक है? हाँ रीत, मैं ठीक हाँ। तू मैनू देखना ही है? हाँ बॉबी, ते तेनू इदा ठीक ठाक देख के मैनू बहुत चंगा लग रहा है। देख बॉबी, मैनू पता है तेरी सेहत अजे तक ठीक नहीं हुई पूरी तरह, ते मैं तेनू परेशान भी नहीं करना चाहती, पर सिर्फ एक तू ही है जिहड़ा मैनू दस सकता है एक्सीडेंट वाली रात होया की सी। मैनू उस रात सिर्फ मम्मी जी मिले सी, ते वो सब मेरी गलती है। ते बॉबी, उस रात तो बाद मम्मी जी मेरे नाल गल नहीं कर रहे। मम्मी जी तो मेरी शक्ल देखने भी राजी नहीं। बॉबी मैनू दस उस रात की होया सी। देख रीत, उस रात जो भी होया सी, पर सरोज आंटी जी ये चाहते ने कि तेनू उस बारे कुछ ना पता लगे। बॉबी ऐदा ना कह, उस गल करके मैं मम्मी जी तो बहुत दूर हो गई हाँ। दस की होया सी? तू पुछदी है तो सुन, सरोज आंटी जी नू शक है कि तेरे पापा की मौत किसी एक्सीडेंट विच हुई सी। एक्सीडेंट विच नहीं हुई सी की मतलब? रीत मतलब कि आंटी जी नू लगता है कि तेरे पापा का किसी ने कत्ल किया सी। अचानक मम्मी जी के दिमाग विच एक गल कित्थों आ गई? पता नहीं, पर मैनू आंटी जी दसदे सी कि उन्हां नू उस एक्सीडेंट दियां धुंधलियां धुंधलियां यादां याद ने। उन्हां नू पक्का यकीन है कि वो एक्सीडेंट नहीं सी, किसी ने तेरे पापा नू कार थल्ले दो वारी दित्ता सी। ते बॉबी तेनू की लगता है बस रीत, इस तो ज्यादा मैं तेनू होर कुछ नहीं दस सकता। मैं तो बस उस बंदे नू लिया के तेरे सामने खड़ा कर देना, फिर ही मैं तेरिया नजरों में हीरो बनांगा। कल रीत ठीक नहीं सी, जिदे करके कोई गल भी नहीं हो सकी। वैसे असी गल तां व्याह दी करन आए सी, पर इत्थे आके तां सानू कुछ होर ही पता लग गया। कोई नहीं जी, जिहड़ी गल कल नहीं होई तुसी अज कर लो। पर पलक इत्थे रहना नहीं चाहुंदा, सो इस करके मैनू कैनेडा वापस जाना पएगा। जान तो पहला व्याह होना बहुत जरूरी है। तो पलक दी गल छड मानव, ओदे च ते हजे भी बड़ा बचपना है। रहेगी ते ओथे ही जिथे तू रहेगा। तुसी ये किद्दां कह सकते मम्मी जी? ए मेरी जिंदगी है ते मैं अपनी जिंदगी दे फैसले आप ले। उस रात असी वही पता करन गए सी ते साडा एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, ताही मम्मी जी
बार बार कह रहे सी कि सारा कसूर उना दे। चलो ये गल तो पता लगी कि तू मम्मी जी दे नाल ही सी, पर तुसी दोवे गए कित्थे सी ये ता दस। डॉक्टर अजय, तुसी दोवे उन्होंने मिलन की कोशिश कर रहे सी। बहुत दिमाग चलता है रीत का, जे इन्हू थोड़ी जी भी गल दस दी ना तो बाकी सारा कुछ ने आप ही पता कर लेना। डॉक्टर अजय, तेनू कि पता डॉक्टर अजय का? मम्मी जी के पर्स में मैनू पापा जी ऑटोप्सी रिपोर्ट मिली सी, ओदे उत्ते लिखिया सी डॉक्टर अजय का नाम। बॉबी मैनू दस वो कित्थे रहिंदे ने, मैं जाके गल कर दी उन्होंने नाल। डॉक्टर अजय का ही तो पता नहीं चलता सानू, जेड़ा उदा घर का पता सी वो तो बहुत साल पहला उतो कित होर चला गया सी, ते वापस रस्ते चाहते ही साडा एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया ये सब कुछ दसन लिए। ये सब कुछ दस के ना तो सच्ची मेरी बहुत मदद की है बॉबी, ते मेरी मम्मी जी का तू इन्नी बहादुरी नाल साथ दिता उदे लिए तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। पर रीत, जिस रोज आंटी नूं पता लग गया ना कि मैं तेनू सब कुछ दसदा तो फिर मैं नहीं बचदा उन्होंने हाथों। तू उस चीज़ की फिक्र ना कर, मैं मम्मी जी नूं नहीं दसदी। जे हुण तेनू किसी भी चीज़ च मेरी मदद की लोड़ पे ना मैनू तू दस दी। चंगा अपना ध्यान रख। रीत, वो एयरक्राफ्ट वाले कॉन्ट्रैक्ट का की होया, मिलिया तेनू? मैं गल की सी उन्हां नाल ते उन्हां नूं समझाउण की बहुत कोशिश की सी कि तेरे तो वधिया उन्हां नूं कोई नहीं मिलना। इन्ना कुछ हो गया बॉबी ते तेनू हजे भी मेरा कॉन्ट्रैक्ट याद है? देख रीत, मेरी ये नवी जिंदगी तेरे करके तो शुरू हुई है, फिर इन्ना क फर्ज तो बनता ना मेरा। चंगा बॉबी, मैं हुण चलदी हाँ, तू अपना ध्यान रखी। सॉरी आंटी जी, पर मैं मानव नाल ब्याह नहीं कराना चाहती। बोलोक, ये तू की कह रही है? ओही जो तुसी सारिया ने सुनिया, मैं रीत नहीं हाँ कि लोगों नू खुश करन ली वो सब कुछ करी जावे जो लोग उन्हू कहिंदे ने। मैं मानव नाल ब्याह नहीं कराना, नहीं है दिन मेरा। फिर पहला क्यों हाँ कीती सी? सिर्फ इस लई कि मानव NRI है। हाँ जी, कैनेडा जाना सी मैं। पलक, तू सही नहीं कर रही। मानव नूं कितना बुरा लगूगा तेरी इन्हां गल्लां दा। थानू पता है, मैं अपने एग्जाम्स विच चीटिंग कीती, लीक्ड क्वेश्चन पेपर सीगे मेरे को। क्यों? क्योंकि थोड़ी फैमिली दा बहुत प्रेशर सी मेरे उत्ते एग्जाम्स विच पास होने दा। पलक, मानव की शक्ल देख, बेचारे का दिल टुट गया तेरी गल्ला सुन के। इन्हों का कोई प्रेशर नहीं सी तेरे उत्ते एग्जाम च पास होने का। बस हुण होर गल करन दा कोई फायदा नहीं, इस रिश्ते का हुण कुछ नहीं हो सकता।
ਲੈ ਪਲਕ ਇਹ ਮੁੰਦਰੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਚਲੋ ਮਾਨਵ तेरा दिमाग खराब हो गया फलक परिवार की इज्जत का भोरा ख्याल नहीं तेन की तो पूछ के मना किया रिश्ते घट्टो घट अपने प्यो दे मुड़न की उड़ीक तो कर लें हूं मैं जयवीर की जवाब देंगा पापा नू मैं की जवाब देना मैं आप ही दे देंगी तुसी इहदी फिक्र ना करो तुसी तां नहीं ना मेरा पापा।